चैनल डेंटल मैस्ट्रो. सो टुडेज टॉपिक इज लीनिया अल्बा. बहुत ही सुनने में कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स लग रहा है ना, लीनिया अल्बा क्या है. बहुत ही आसान चीज है समझने के लिए कि बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं क्लिनिक पे, वो बोलते हैं कि हमारे गाल पे ना सफेद धारी बन गई है, कहीं हमें कैंसर तो नहीं है, कोई हमें बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है. तो बहुत उनके मन में सवाल होते हैं इस चीज के लिए. तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, ये कुछ नहीं है. एक ना दांतों की कटने की वजह से गाल पे जो निशान बन गया है उसको हम लीनिया अल्बा बोलते हैं. और ये व्हाइट धारी वो उसकी व्हाइट धारी के फॉर्म में क्यों बनती है, क्योंकि हमारा जो दांत है वो एक सीरीज में अरेंज्ड है, तो व्हाइट बनती है, तो पूरी ऐसे करके बन जाता है वो. तो व्हाट वी कैन से, इट इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रीक ऑन द बक्कल म्यूकोसा लेवल विद द ऑक्लूजन बाइटिंग प्लेन. ठीक है, तो क्या होता है कि जहाँ जहाँ हमारे दांत मिलते हैं बीच में हम कुछ खा रहे हैं चबा रहे हैं, तो दांतों के बीच में हमारा गाल आ जाता है, तो वहां पर कटने का निशान बन जाता है, वो धीरे धीरे करके थोड़ा सा व्हाइटिश हो जाता है. तो दैट इज लीनिया अल्बा ओनली. इट इज यूजली एक्सटेंड फ्रॉम द कमिश्योर टू द पोस्टीरियर टीथ एंड इनर लिप म्यूकोसा एंड कॉर्नर्स ऑफ द माउथ. एंड वी कैन से इट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द प्रेशर, फ्रिक्शनल इरिटेशन और सकिंग ट्रॉमा फ्रॉम द फेशियल सर्फेसिस ऑफ द टीथ. बहुत बार क्या होता है पेशेंट को या फिर किसी को भी ना हैबिट होती है जैसे अपने गाल को दांतों के बीच में लाने के, तो इससे भी बार बार गाल कटता है तो वहां पर लाइन बन जाती है. तो बहुत बार ना इनको कैंसर या फिर बहुत सारे जो लीजन्स हमारे ल्यूको प्ले किया या फिर लाइगन प्ले, इन सबसे मिस्टेकन कर जाते हैं कि कहीं ये तो नहीं हो गया हमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट अ चीक बाइट है. वी कैन से इट इज़ ए क्रोनिक बाइट. और जो लोग टोबैको च्यू करते हैं उनमें ये फ्रीक्वेंटली मिलती है, और जिनको ब्रक्सिज्म की हैबिट होती है मतलब नाइट क्लेंचिंग, रात को दांत किटकिटाने की, तो उन पेशेंट्स में भी ये बहुत फ्रीक्वेंटली मिलती है. और ये कह सकते हैं ये दोनों गालों पर मिलती है, यूजली प्रेजेंट बायलेटरली, क्योंकि दोनों तरफ गाल कटता है. तो यदि हमें वहाँ कोई प्रॉब्लम होती है कि लग रहा है कि कंटिन्यू कट रहा है, बहुत दर्द हो रहा है या कुछ भी है, बहुत बार शार्प एजेस हो जाते हैं टीथ के, तो उसकी वजह से भी गाल कटने लगता है, तो हम इसके लिए एक बार कोई भी दिक्कत है तो हम डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए. यदि वहाँ शार्प टीथ है तो उसको हम ट्रिम कर सकते हैं और उसको अच्छे से क्योर कर सकते हैं. अदरवाइज के लिए कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है. यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो हमें उसके लिए एज सच कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है. बार बार कट रहा है, दर्द हो रहा है, अल्सर हो जा रहा है, तो उसके लिए हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और वहाँ पर शार्प एजेस को ट्रिम करवा के स्मूथ रखना है. तो ये वाइटिश कलर की होती है. तो आई होप आपको बहुत छोटी सी चीज़ बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गई होगी, लेकिन क्योंकि माइंड में लोगों के बहुत बड़े क्वेश्चंस होते हैं, अरे कोई हमें कैंसर तो नहीं हो जाएगा इससे, नहीं ऐसा कुछ नहीं. तो आई होप आपको वीडियो में बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. बाय बाय, टेक केयर.